लाइक, तुम लोगों में से कोई भी लाइक नहीं करते तो लाइक करो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड यप, आज मैं हूँ कोलकाता वाले घर पे, तो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया है। इट्स अ सर्टेन प्लान, सो आई केम टू कोलकाता और आज मैं देखने जाने वाली हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज। So please like our channel and do subscribe and yeah, you can see this is going on. तो मैं आई सुबह सुबह एंड मैं आके जो मेरे नज़रों के सामने दिखाई दिया वो है ढेर सारा कचरा। तो मैं सोची कि मैं साफ कर लेती हूँ रूम एंड साफ करने के टाइम आई फाउंड दिस एंड मुझे पहले लगा कि ये शायद कोई प्लास्टिक का चीज़ है, चाहे तो कीड़े या तो छिपकली। वो एसी के ऊपर ना यहाँ पे थर्मोकोल लगा हुआ था, तो मुझे लगा वहाँ से काटा हुआ थर्मोकोल गिरा था बेड के साइड में से। तो मैं साफ़ कर रही थी एंड आई फाउंड दिस लंबा सा थिंग एंड देन थोड़ी देर बाद आई रियलाइज के दिस इज़ नॉट अ प्लास्टिक थिंग एंड दिस इज़ नॉट ओनली थर्मोकोल, इट्स अ स्नेक स्किन। तो आई फाउंड दिस स्नेक स्किन एंड आई वाज स्केयर्ड। मैं स्केयर्ड एंड इट्स लाइक वेरी डिसगस्टिंग फील हो रही थी कि क्या है मतलब इट वॉज क्रीपी। तो मैं ऊपर वाले फ्लैट के आंटी को बुलाई एंड वो ऐसे पकड़ के देखा एंड लाइक ओ या इट्स नॉट अ प्लास्टिक थिंग, ये स्नेक स्किन है। तो मैं पूरा रूम अच्छे से साफ किया एंड उसके बाद कार्बोलिक एसिड मैंने दिया हर जगह घर रूम के साइड में खिड़की से। आई डोंट नो, देयर इज नो स्नेक। मैंने पूरा साफ किया रूम, पता नहीं शायद एसी के जो दीवार में छेद था ना उसी में से आया था। इट वॉज लिटिल, लाइक इतना बड़ा होगा क्योंकि तीन टुकड़े में था ये स्किन। तो या दैट्स अ वेरी डेंजर थिंग आई फाउंड इन माई होम एंड आई डोंट फील सेफ। उसके बाद मैंने खाना बनाने की पूरा का प्रिपरेशन किया बिकॉज आई वॉज हंग्री। बहुत लेट हो गया था मुझे आने में ट्रेन से निकल के, तो मैं यहाँ पे सब्जी काट रही थी और ये है बनाना कच्चा वाला, मुझे बहुत पसंद है इसको फ्राई, मतलब बहुत क्रिस्पी टाइप का होता है, बनाना चिप्स टाइप बट नॉट दैट मच क्रिस्पी। तो चलो उसके बाद मैंने चावल वाल पूरा बना लिया और उसके बाद मैंने और जो बनाया था वो है थोड़ा सब्जी भिंडी, आई डोंट लाइक भिंडी दैट मच बट मैंने बनाया था। एंड उसके बाद मेरा फेवरेट अंडा, तो अंडा को मैंने पोच बनाया था, पोच नहीं ऑमलेट कहते आई थिंक इसको। तो ये देखने में सीरियसली बहुत ही ज़्यादा यम्मी दिख रहा था और खाने में भी यम्मी था, वैसे भी अंडे का स्मेल तो टेस्ट एक ही होता है। तो फिर वही बनाया और एकदम देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है। तो मैंने इसको काट लिया है फोल्ड करने के लिए, वरना ये पलटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता, काफ़ी यू नो बड़ा था। तो ये रहा मेरा लंच, भिंडी भाजा, दाल, आलू और केला भाजा एंड अंडा एंड चावल। सो चलो गाइस रेडी हो जाते हैं जल्दी जल्दी और मैं अब पहनूंगी, मतलब आज मैं पहनूंगी ये वाला टॉप, सो जल्दी रेडी होते हैं। यो आई एम रेडी पेरी, सो लेट्स गो। ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, वैसे रात का ही थोड़ा सा देखना है क्योंकि बारिश हो रही थी बाहर, जाते हैं देखते हैं। अब कोलकाता में कैब का भाड़ा इतना ज़्यादा हो गया है कि हमें बस में ट्रैवल करना पड़ रहा है। वैसे हम लेक मॉल से मेरा घर काफ़ी पास है तो हम लोग मॉल पहुँच गए। और हाँ, इसे तो इंट्रोड्यूस करना भूल ही गए, हेयर इज रिबा मोनी शाहू। और तो उसके बाद आए हम ये पुराने चाय के दुकान पे, ये लेक मॉल के बाजू में है और यहाँ पे अननेसेसरी भीड़ है। और जब मैं ट्राई किया कि चलो यहाँ का चाय कैसे होता है और इट्स बैड, ट्रस्ट मी, एकदम गंदा चाय था, एकदम मन नहीं गया खाने को। पर क्या करें, अब ले लिए थे 8 रुपए की चाय तो फेंक दे, तो खा भी लिए। अब मॉल आए हैं, ये वाला शॉट कैसे मिस कर सकते हैं, पूरा हिरन वाली फील नहीं आती। देखो देखो साइड में लड़की मेरे को देख रही है। यहाँ पे हम लोग टिकट काउंटर पे आए लेकिन टिकट में कोई था ही नहीं। थोड़ी देर वेट के बाद ये आए बंदा, 10,000 क्वेश्चन पूछे और फिर मैं पैसा देने के लिए कार्ड निकालने की कोशिश की, वो भी निकल नहीं रहा था। निकल, चलो निकला। तो गबी चैनल में 10 के स्पेशल गेस्ट रिवॉक
उर्फ मोनिश शाहू. यू कैन स्माइल. आर यू एक्साइटेड फॉर डॉक्टर स्ट्रेंज? हाँ इश्माइल, इश्माइल प्लीज. तो हम लोग आ चुके हैं फाइनली, और बहुत ही लेट 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 करते करते चाय पीते पीते आराम से फिर भी आ गए. वेट कर रहे, समझ रहे हो? तो ये वाले स्क्रीन पे आएगा अभी. देखो कूड़े कूड़े साफ कर रहे हैं. तो हम लोग तो सूखे सूखे खाने वाले हैं ना. पॉपकॉर्न इज वेरी कॉस्टली. नहीं यार नहीं लेते. मैं लोगों को सिखा रही हूँ कैसे कंजूसी करके जीना होता है ना. कॉन्ग्रेचुलेट मी. थैंक यू. What the fuck? My money. He is not paying. We are paying. So thanks. Thanks for saving our money. Thanks. Yeah. Like करो गाड़ी को. अभी तक तो किए नहीं होंगे. चलो finally ये लोग open किए और मैं पहला जो घुस रही हूँ. तो चलो जाते हैं. टिकट देख लिया. Let's go. एक फोन डेड हो चुका है, दूसरे फोन लेके हम लोग आ चुके हैं. आई एम सो एक्साइटेड. तो हम लोग आए हैं 3D पूरा थिएटर बुक कर लिया गाइस. पूरा खाली, इधर खाली, पीछे भी यू कैन सी खाली. पूरा थिएटर ड्राइव. अब तो नया क्रश होने वाला है मेरा. तेरे क्यूट लगता है. ऐसा बाल कर दे तेरा होगा. ये वाला फिल्म मस्त होने वाला है अंशुमन का, वो नॉर्थ ईस्ट को लेके. आई थिंक ये पीस किसी को चाहिए ही नहीं. एग्जैक्टली सालों से एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई. ये चीज, ये मूवी मजेदार होनी वाली है. होने होने वाली है. It can give a sorcerer whatever power they need to vanquish their enemy. हाफ टाइम गाइज. पैसा तो बचा लिए, सोच रहे थे पॉपकॉर्न नहीं खाएंगे. बट नाउ आई एम हंगरी. आई वांट टू हैव पॉपकॉर्न. भूख भी लगी थी और पैसा भी बचना था. 300 का पॉपकॉर्न करके पेट भी नहीं भरते. तो वी केम टू डोमिनोज और हम लोग गार्लिक ब्रेड ऑर्डर किए. और अभी जल्दी जल्दी गार्लिक ब्रेड खा के ठूस के ऊपर जाना पड़ेगा. मतलब क्रेजी मैन. हो गया भाई. कॉमेडी हो रहा है इधर तो. ये ज़ॉम्बी को देखो, ये क्या बना दिया इसको. वी आर वेटिंग फॉर सम सरप्राइज. ये दिख ही नहीं रहे हो यार. ठीक, क्योंकि हर ये बखूदी के बाद एक सरप्राइज होती है गाइस. खोल ले अंधे. तू उधर नॉर्मल है, 3D नहीं चल रही. तो हम लोग अभी देखो क्या देख रहे हैं. सुबह 10:30 बजा है और हम लोग बहुत ही कांड किए हैं यार. इतना फन, ऐसा लग रहा था चोरी किए हम लोग. तो द स्टोरी मॉल से निकल के बोले गया क्या पता फाइन ले ले. अरे नहीं, इधर से जा, पूरा नहीं जाना है, एक ही फ्लोर आना है. चलो बोल रहे स्टूडियो को. एस्केलेटर भी बंद कर दिया है. गरीब मॉल, एस्केलेटर ही बोलते हैं ना. हाँ, तो द थिंग इज हम लोग क्या किया, हम लोग डोमिनोज पिज़्ज़ा खरीदे थे और इतना लेट हो गया था. तो हम लोग उसको पैकेट को फेंक के टिश्यू पेपर में लपेट के बैग में डाल दिया चेन के अंदर. फिर मॉल के अंदर घुसे, बैग तो चेक नहीं किया वैसे. घुस के हम लोग एकदम चुप चुप के खा रहे. ये बोल रहे ऐसा लग रहा है अपने ही पैसे से खरीदे, वैसा लग रहा है चोरी करके खा रहे. अब 300 का पॉपकॉर्न कौन खाएगा भाई. तो दैट्स अ फनी स्टोरी. मैं तो लाइफ में पहली बार ऐसी बकचोदी किया. ये ऐसा लग रहा है चोरी कर रहे भाई. इसे मैं से खा रही हूँ और इसे ऐसे खिलाड़ी में ऐसे. ये भी बोल रहे देखे देख लेगा. तो ऐसे झुक गए हैं, कैसे क्या ही कर रहे थे. पर यू नो हम लोगों को लगा कि बहुत टाइम हो लग जाएगा, डोमिनोज बहुत लेट किए. पर मूवीज़ का एक सेकंड भी मिस नहीं हुआ. हम लोग घुसे फिर शुरू हुआ. तो इंटरवल का टाइमिंग सही था. तो ये रहा हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज और डोमिनोज.
डॉक्टर स्ट्रेंज एंड डोमिनोज ना, ये टाइटल अच्छा लगेगा। ये रहा ये महान टिश्यू पेपर डोमिनोज का। मेरा बैग गंदा गाल। अब सीरियसली ओरिगेनो डॉक्टर स्ट्रेंज देख के, और सच बताऊं मेरे को एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा था। या एंजॉयड, कुछ कुछ चीजें अच्छे थे, फनी भी थे, पर भी कैसा लगा कि हाँ चल रहा है ऐसा वाला था। नॉट लाइक KGF देख के जो एकदम बहुत ओवर एक्साइटेड हो गई थी, वैसा नहीं है। मार्वल से और ज्यादा आशाएं थे, बट यू गाइज कैन लाइक वॉच, क्योंकि वो 3D वाला इफेक्ट, 3D का काम अच्छा था। तो गाइज जैसे कि आप लोगों को पता है 10K के बाद ये पहला व्लॉग है मेरे चैनल पे, तो यहाँ तक देखे हो तो कमेंट में यू गाइज कैन आस्क मी वन क्वेश्चन Q&A स्पेशल, मतलब 10K स्पेशल Q&A वीडियो एक बना। अब प्लीज गेमिंग रिलेटेड कोई क्वेश्चन मैं आई एम नॉट गोना पिक, तो लाइफ रिलेटेड, गेमिंग छोड़ के कुछ भी रिलेटेड यू कैन आस्क मी। सो प्लीज जाइए कमेंट सेक्शन में, लिखिए आपका क्वेश्चन और वेट कीजिए Q&A वीडियो आने का। ओके बाय बाय।